एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो कुछ कुछ चीजों का रिवीजन करेंगे। The smallest particle of matter, which cannot be further divided, cannot be further divided. Is called matter. Law of chemical combinations. So law of conservation of mass. Mass can be said to be law of conservation of mass. That is total mass. That is पढ़ कर बताओ मुझसे क्या लिखा है सर दर मास कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हाँ यही है मास कैन ईदर proportion definite proportion multiple proportion बहुत सारे नाम है definite proportion में नाम है so law a chemical compound the elements are always proportion in a chemical compound the elements are always present in a definite in a chemical compound elements are आप कहते हैं उसकी डेफिनेशन निकाल दीजिए एलिमेंट की बेस हाँ वो सब बताएंगे प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास जैसे मान लीजिए कि इन H2O तो H2O में मास रेशो क्या होगा H2O का मास रेशो टू रेशो आप बताएं हम क्या बताएं सर मास रेशियो हां मास रेशियो 7:8 क्योंकि ये 2 है तो 2:16 2:8 जमा है तो 1:8 हुआ सर आप पेपर दोगे सर हां पेपर आप पेपर दे दो उधर भी आ जाए इसको आ जाने दो ठीक है और CaO कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम का कितना होता है बताओ CaO सर 20 और 16 मान लो जैसे 40:2 है हाँ 40:16 16 हो गया तो कितना हो जाएगा 5 से करो 5:2 5:2 MgO का बताओ MgO मैग्नीशियम का 24:16 सर आप साइंस हैं हाँ 3:2 और NH3 का NH3 अमोनिया दैट इज 1:7 क्यों सर 7:1 गुड आफ्टरनून साइंस है ना पता नहीं था क्या पता नहीं क्यों क्या सोचे चलो कोई बात बुक से करा इसको नोट करो इतनी बात हो गई ठीक है तो हम अलग अलग CO2
CO2 का देखो C का कितना होता है 12 into 16 बताओ बेन का 32 अच्छा हां CO2 अब ये 4 से करो 32 हो गया तो यही प्रोपोर्शन रहेगा ठीक है कि नहीं डेफिनेट प्रोपोर्शन ओके सुना तो ये हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दो है क्या ओके नो ये फर्स्ट और सेकंड टाइप का ये थर्ड का भी अवेलेबल है सर होगा क्या वैसे कुछ नहीं है भाई नहीं तो कहां से ठीक है पतली वाली कॉपियां खत्म हो गई है जब लाएंगे तो शुरू करेंगे सर मेरे तो ज्यादा आ रहे हैं कितने आ रहे हैं 39 39 अब मैं वो कर देता हूँ हाँ हाँ आप याद दिला देना सर पतली का इतनी फिर वो तो सर हमने तो इनको दे दिया कि गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि हमने सेकंड का प्राइस उनको दे दिया सर फर्स्ट और सेकंड का देखिए हां फर्स्ट सेकंड ठीक है सर लेकिन ये तो गलत है ना गलत हो गई तो क्या ठीक है अच्छा अब देखो ये दो लॉ समझ में आ गए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अब देखो ठीक है तो लॉ समझ में आ गए दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इसमें हो रहा है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स ओके नाउ नेक्स्ट इज
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है सर। सर इसको पोस्टुलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं किया, मान्यता थी बस। सो दैट इज ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ, ठीक है? क्योंकि ये जो एस चार में लिखी है ना, ये सारी चीजें आने लगी। All matter is made up of very tiny particles. All matter is made up of very tiny particles called atoms. Second. मतलब सारे पार्ट, सारा जितना भी मैटर है वो किसका बना है? एटम का बना है। एटम इज इंडिविजुअल, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। उसे तोड़ा नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर आप स्मॉलेस्ट एंटिटी इसे ही कहेंगे ना एटम को। हाँ, फिर आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन से छोटा क्वार्क होता है, फिर क्वार्क से छोटा डाउन फिर ग्लूऑन। अभी तो फिर बीएससी की बात आ जाएगी, छुपा छुपा के चलेंगे। अभी तो नाइन्थ में ही हो ना, आप अगले क्लास में जाओगे तो बताएंगे कि फिर इलेक्ट्रॉन किसका बना है, फिर क्वार्क किसके बने। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। अभी आपको थ्री चीजें बताइए ना, किसी एटम में न्यूक्लियस के अंदर दो बताएं ना। फिर अभी 11th में जाओगे तो फिर 200 कैसे बताएंगे? 11th में 200 के नाम है। अभी तो छिपाना है, छिपाना है, धीरे धीरे बताना। मीजॉन्स, किसी किसी ने आपको मीजॉन बताया? किसी ने बेरियन, लेप्टॉन्स, ग्रेयॉन्स? अभी तो बहुत कुछ बताने, अभी आपको बताना है वो सब। ये जो बुकलेट रखी है ना, ये रखी हुई है आपके लिए यूनिवर्सिटी फिजिक्स 11th के लिए, बनाएंगे। एटम इज इनडिविजिबल। तो जब सर वो H2O में जो मास रेशियो लिखा है उसके लेफ्ट में 2 into H और O, ये सही बात है। तो इट इज 2:16 लिखते हैं अभी, ठीक है ना? नहीं सर, H2O में भी तो 2 है। नहीं, ऐसा नहीं आ सकता। जैसे ये मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर वजन करें तो उनका क्या रेशो हो, इससे ये मतलब है। ये है रेशो बाई मास, और अगर वो रेशो बाई एटम तब कहना 2:1। अगर यहाँ रेशो बाई एटम पूछा जाए तो 1:3 कहना। ये से गलत हो गया था भाई। आप रेशो बाई मास और रेशो बाई एटम में, ये तो खुद ही तो आपको मालूम होना चाहिए, है ना? मास तो मास होता है, एटॉमिक मास पे रेशो निकालोगे ना तब तो रेशो बाई मास आएगा। मास का मतलब ये इतना हल्का वजन, कह दो कि जैसे मेरे पास एक अमरूद है और एक तरबूज है, अब मास का वजन बताओ, तो क्या अमरूद भारी हो जाएगा? दो भी ले लोगे तब भी नहीं भारी होगा, तरबूज ही भारी होगा। तो ऑक्सीजन भारी है कि दो अमरूद? फिर तो क्या रेशो होगा? 1:8। मास किसका ज्यादा होगा, एक तरबूज का कि दो अमरूद का? तरबूज का। फिर ऐसा नहीं, ऑक्सीजन बड़ा है ना, अब दो हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं, तो मैं कहूँ कि मास का रेशो बताओ। बोलो, एक पिता अपने दो बच्चियों को लिए जा रहा है गोद में, तो बच्चियों का वजन ज्यादा होगा कि पिता का? पिता का। तो पिता का ज्यादा रहेगा कि नहीं? तो दो, वो दो हाइड्रोजन पकड़े लिए जा रहा है। अब एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल्स, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड, not be created or destroyed in a chemical reaction.
a chemical reaction. Third, ठीक है, अभी इसी को मैं दिखाता भी हूँ. Atom of a given element are identical in mass and chemical properties. Atoms of an element are. देखो अभी ये चीज सही है कि अभी ये गलत हो चुकी है. ये बात सही बता दी, क्योंकि ऐसे तो नहीं तो क्या होगा कि प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम के अलग अलग मास है 1U, 2U, 3U, तो क्या एलिमेंट हाइड्रोजन है लेकिन उसके तो 3 isotopes, क्या सबके मास अलग अलग नहीं है? तो लेकिन यहाँ पर पहले जिस समय आइसोटोप का नहीं पता था तब तक ये बात सही थी कि नहीं? अब गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अच्छा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास एंड ऑफ different elements have different mass and chemical properties. Fifth. So atoms combine the ratio of small whole number to form compounds. ये atoms of a given element उनके same mass और chemical properties हैं और different elements के different mass and different chemical properties. ठीक है? Now the relative number, देखो ये 21st को हम लोगों की promotion party है तो आप आते रहना क्योंकि इन लोगों को invitation card देंगे. हो सकता है अगर आप नहीं आओगे तो फिर मिल नहीं पाएगा card. आपके घर आना पड़ेगा देने. सर मेरे एग्जाम्स 28 से हैं और 12 को खत्म होंगे. इसी 28 से? हाँ, मतलब मंडे से कमिंग मंडे. और थर्ड से आपके हैं? सेवन से ही हैं. किसी के थर्ड से भी हैं क्या? नहीं, और हमारी 10th 23rd से शुरू. 28 से शुरू है आपके ना? अभी परसों मंडे. पहला कौन सा? Now, अब देखो, atoms combine in ratio of small whole number. Combine in the ratio. Ratio of small whole number. ठीक है? To form compound. देखो एटम्स कंबाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है और इंडिविजुअली भी इंपॉर्टेंट है. यानी ये 2-3 नंबर का वेटेज है. तो फिफ्थ पॉइंट क्या बताया? एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. ठीक है. और सिक्स्थ पॉइंट क्या हो सकता है? रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. द relative number and kind of atoms are constant in a given compound. चलो अब ये 6 points बताओ. Matter is made up of very tiny particles known as atom. Called atom. Atom is an individual particle which cannot be created nor destroyed in a chemical reaction. Atoms of a given element have same mass and chemical properties. Atom of different element have different mass and chemical properties. Atom combine in a ratio of fixed whole numbers to form compound. The relative numbers and kinds of atoms constant in a given compound. Fifth point, which is
एटम्स कंबाइन अ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म फिर से एटम कंबाइंस इन अ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म इन द रेशियो समझ आ रही बात अब आपका सेकंड पॉइंट हो गया था तो सही है क्या थर्ड प्राइस अब तो ना इंसाफी नहीं है चलो नाउ क्या नहीं हम नहीं देंगे आगे देंगे मोल कॉन्सेप्ट आपका इम्पोर्टेंट है अच्छा नेक्स्ट चैप्टर तो आप लोग कर लोगे मुझे मालूम है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम है सर बस याद ही करना है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है बोर एंड द रिफरेंस कर लिया सर कल साइंस का हमने पूरा करा दिया है मॉडल पेपर 1 यस सर है ना मॉडल 1 को बाद में कराएं सर मेरे स्कूल में से हटा दिए अगर अदर फोर का जे जे फंक्शन का और मेन मॉडल वाला हट गया हटा दिया होगा लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं पढ़ लो आगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सब सर इसमें तो एमसीक्यू है ना क्या सर ये साइंस वाले तो एमसीक्यू है एमसीक्यू नहीं ये नहीं जो आप लोगों ने ग्रुप में भेजा है चलो नाउ पहले जो हमने दिया था निका जो आपने दिव्या भेजा उसका सलूशन नहीं है क्या चलिए ओके थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बात मत करो The relative number and size of atoms are constant in a given compound. Sir, ये law of constant proportion. Constant proportion. ये तो नहीं है. Law of conservation. Sir, second one. 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 आप देख नहीं रहे इधर में जा चाहिए क्या ठीक है चलो इधर आइए postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion. बताएं. six. मतलब definite proportion का मतलब है relative number and kinds of atoms. है ना? Six होगा. इस small hole number में तो नहीं है. इस small hole number में तो N2O भी है, NO2 भी है, N2O3 भी है. NO2 भी है और N2O4 भी है N2O5 भी है तो ये मतलब कोई ये तो नहीं है कि उसमें क्या बताता है कि वो फिक्स्ड है यानी उन दोनों का तो वो फिक्स्ड तो नहीं है यानी उनका मास फिक्स्ड मास में करते हैं तो ये जो किसी एक कंपाउंड में डेफिनेट कंपाउंड पहले तो कंपाउंड उठाओ ये बता रहा है कि ना सिंपल है देखो कौन सा है चलिए ठीक है अभी नेट में देखते हैं विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन रिफर्स टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन सिक्स्थ पोस्टुलेट है ये होता तो बता देता सिक्स्थ ही है चलो बात निकल पाए चलो इतने
इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं कि ये सारी चीज ठीक है। अब एटॉमिक मास डेफिनेशन बताइए वाली। बोलो। मास ऑफ एटम एक्सप्रेस्ड इन यू। मास ऑफ एटम एक्सप्रेस्ड इन एन एटम। सर हाँ सर क्या होता है? ऑफ एक्सप्रेस्ड इन, बस यही लिखना है। हाँ तो यू में ही होगा। जैसे एटॉमिक मास ऑफ, मुझे बताओ ऑक्सीजन का 16 U, यही है बस। चलो ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया, ये हमें बता रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास की, अच्छी याद दिलाई इन्होंने। ठीक है, ये सही है। मास वेटेड मीन कैसा मीन बता रही है? अर्थमेटिक मीन है या फिर मास के आधार पर लिया गया मीन। जैसे एक होता है हाइट वेटेड मीन, अगर हाइट का मीन निकालोगे तो हाइट वेटेड मीन है, मास का निकालोगे तो उसे क्या कहते हैं? मास वेटेड मीन ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट या प्रेजेंट इन एन एलिमेंट एज पर देयर अबंडेंस इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। रिपीट करो देवांशी। बोलो कार्तिक। इसमें मास वर्ड नहीं है, आप रिपीट करो। ऐसे करने से ये नहीं पता चल रहा कि आप किसका मीन लेना चाहते हो, एटम में साइज वेटेड लेना चाहते हो कि डायमीटर। मास वेटेड मीन यानी मास के आधार पर लेना चाहते हो कि नहीं, बोलो। नहीं तो एटम में तो बड़े फीचर्स हैं, तो किस किस चीज का मीन निकालना चाहते हो? मास वेटेड। मास वेटेड मीन ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एज पर देयर डिपेंडेंस अबंडेंस इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। चलिए इस एवरेज एटॉमिक मास कहेंगे, इट इज एक्सप्रेस्ड इन। बहुत अच्छा, सर मोलर मास को जी में करते हैं ना। बहुत अच्छा, इन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी, ग्रेविटी का भी चैप्टर है। ग्राम पर मोल सर, ग्राम पर मोल एक और जी, मोलर मास में क्या मोलर मास ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम, ठीक है, सही, ठीक है जी, जी में बोल के ग्राम पूरा, ठीक है, समझ आए बात। अच्छा ये बताओ कि हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास क्या? 35.5। चलो इतना ही लिखिए। ब्रोमीन का बताओ क्योंकि एक्सरसाइज में है, याद करो। 80.006। ये सही बता रहे भाई, अलग होने दो, लेकिन हमारी बुक में जो है वही है। 80.006 है बुक में, ब्रोमीन 70। अगली वाली में ना, अगले में है नहीं, ब्रोमीन का कितना है? 80.006। तो अब समझ में आ गया, एवरेज का मतलब समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं ना।
अब देखो सिंबल तो आप लोगों को पता है ना, बेरियम का बताओ, बोरॉन का बताओ, ब्रोमीन का बताओ। हाँ बोरॉन ब्रोमीन सल्फर का बताओ, सोडियम का बताओ, सिल्वर का बताओ। इतनी धीमी बोले हमें पता ही नहीं, वो तीनों बता दिए। बोले मैं नेक्स्ट बताऊं, ये अच्छा सल्फर सिल्वर सोडियम बेजी सोडियम सर सिल्वर का हो गया ना, ये बात है। अच्छा नेट्रियम का दूसरा नाम क्या है? हर चीज बता रही है आज तो। केलियम का दूसरा नाम केलियम सर, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोजन मरकरी करेक्ट। हर चीज आप जान रहे हो आज तो, सब बता रही है ठीक है जी। हेराजियम भी बता दिया इन्होंने, अर्जेंटा सिल्वर करेक्ट, ऑरेंज पांचों बताए भाई, आज तो मानना पड़ेगा। चलो तो कई बार ऐसा होता है ना कि नेटिव नेम आते हैं तो आप लोग लिख लो। सर ये आती नहीं है, एमसीक्यू में आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दो, नेट्रियम इसका निक नेम है, अभी इसका सिंबल क्या है और नया नाम क्या है? सोडियम केडियम, हाँ ये लैटिन में पोटेशियम के ठीक है, केडियम तो के, और इस तरीके से है राजियम एच जी, तो उसका लिख लेना ऑरम ए यू ए यू, और अर्जेंटम सिल्वर ए जी, और फेरम आयरन आयरन, क्यूप्रम कॉपर। तो अपनी जानकारी के लिए रख लो बस, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन थोड़े से लिख लो। और सर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इनके लैटिन नेम से ही होते हैं ना? हाँ पोटेशियम मर्करी ऑरम गोल्ड, गोल्ड तो इन्होंने बता दी कैसे दीजिए वो पता था, सिल्वर आयरन कॉपर ठीक है। सर अगर बोलते हैं कि इसकी Al3+ की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखनी है तो सर वो जब देगा या लेगा उसकी लिखनी होती है या फिर दे देगा था, और अगर Al लिखा होता तो फिर तो Al पूरी पूरा आइटम 3+ का मतलब है तीन इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। सर जो निकल जाएंगे फिर जो बचे 10 बचेंगे। चलो अब देखो नाउ Why it is not possible to see? बात मत करो। Why it is not possible to see atom with naked eye? Because they are too small to see. Too small to see. Their size is of 10^-9 meter. ये भी लिख देना। देखो अब इसमें का माइनस नाइन, माइनस नाइन है तो लिख देना, तो देयर साइज यही भी लिख सकते हैं माइनस 10 मीटर साइज, तो ये भी लिख सकते हैं माइनस 10 मीटर, माइनस 10 दोनों चीज मत लगाओ। अब इतनी बात समझ में आ गई, अब कुछ और चीजें बताओ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, हीलियम 2U, 4U, 4U ऑक्सीजन 16U, क्लोरीन 35.5, सोडियम 23U, मैग्नीशियम 24U, सल्फर 32U, 32U, कैल्शियम 40U, सब सब बता दिया। चलो अब व्हाट इज एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ एटम। हाँ तो दैट इज द मैटर, ये द प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स सेम काइंड्स ऑफ एटम्स, ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें सेम काइंड्स ऑफ
प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग सेम, माना जाएगा आइसोटोप की, कहीं आइसोटोप का जिक्र नहीं किया जाता है, सेम काइंड ऑफ एटम्स, तो हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया, ये सब इतने ही एलिमेंट है, देयर आर 118 एलिमेंट्स, एस देयर आर 118 काइंड्स ऑफ एटम्स, यस सर, जैसे कि ये अब बताओ सर, एटम्स तो 118 से भी ज्यादा होगी ना, होंगे, और ये देखो ये H2 है, H2 गैस, तो क्या तब भी ये एलिमेंट होगी, H2 गैस एलिमेंट हो सकती है, सर होगी, नो सर नहीं भी हो सकती, होगी सर, उसमें तीन होते हैं ना, राइट, उससे नहीं लेना देना, एक ही एटम, तो इसका एग्जांपल क्या है, H2N2 होगा, यस सर, P4 होगा, यस सर, P4, S8 होगा, O3, यस सर, O3 होगा, Cl2, और Cl2 भी होगा, और ये बताओ मेटल्स होंगे, जो सॉलिड है ना उनमें 2-3 नहीं लगता, एस में लगेगा, एस ऑक्टाइटॉनिक है, उसका रिंग लाइक स्ट्रक्चर, अभी बताना, ठीक है, मतलब आठ का, जैसे ऑक्टाहीड्रल नहीं होता है, ऑक्टाहीड्रल तो समझती हो नहीं, एट सर, मरकरी, मरकरी का क्या लिखा है आपने, हैं, हैराजरियम, चलिए ओके सर, देयर आर 118 काइंड ऑफ एटम्स ठीक है, हां सर, आइसोटोप्स ही तो होंगे ना, सर टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे ना, 180 टाइप्स, टाइप्स ऑफ एटम्स है, मतलब आइसोटोप्स के नाम में अगर करोगे नहीं है, बट ये हमें समझाने के लिए एक लेमैन लैंग्वेज बताया, इतने एटम होते हैं, और फिर हर एक एलिमेंट के तो 20 आइसोटोप हैं, वो तो अलग ही बात है, समझ नहीं बात की नहीं, yes, लेकिन अगर एक सिंपल आदमी को समझाना हो तो उसे बताना पड़ेगा ना कि इतने एटम है, फिर तभी तो हम आगे उसे बता पाएंगे कि इतने आइसोटोप है, वो ज़्यादा रिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम उसके चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, इतना जानो इतने एटम है तो इतने एलिमेंट है, फिर अब उस एलिमेंट के आइसोटोप्स तो होंगे, हर एक के होंगे, कंपाउंड होंगे, अब जरा देखो कंपाउंड की डेफिनेशन बताइए, उधर ये सर a substance which is made up of two or more atoms, sir, when the aspects are combined in a ratio fixed ratio, different type of element chemically combined in a fixed ratio, then they form a compound, sir, ye to molecule of compound hai, molecule compound ki definition, to compound when two or more atom chemically combined in a fixed ratio, ha ye zyada theek hai, sir, ye when two or more different types of atoms chemically combined in fixed ratio, then they form, वो क्या बनाते हैं, compound, compound, जैसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे NaCl है, NaCl क्या मॉलिक्यूल है, नहीं है, NaCl मॉलिक्यूल थोड़ी ना, ये देखो लिखा हुआ है क्या मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा NaCl होता है, वो एक टुकड़ा है, तो वो कोई मॉलिक्यूल नहीं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, कोई भी क्रिस्टल, नमक पान में दिखाया काला नमक ब्लैक साल्ट, तो वो सब नहीं होते, है ना, वो स्मेल भी आता है, हाँ आता ही, तो NaCl हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको मालूम है जिनमें फार्मूला यूनिट मास चलता है, तो वो सब कोई मॉलिक्यूल थोड़ी ना होते हैं, लेकिन फिक्स्ड रेशो में केमिकली कंबाइन होते हैं कि नहीं, और वहाँ क्या इलेक्ट्रॉनों के लेने देने से काम बनता है, इज द बॉन्ड इज आयनिक, इज इट फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोलो, तो और एक दो बताओ इसी लेवल के जो आयनिक कंपाउंड है, ये ठीक बता रहे, कह रहे हैं देखो बहुत अच्छा बता रहे, एक मेटल लो एक नॉन मेटल, नहीं तो कुछ लोग तो CCl4 ले लेते हैं, बहुत अच्छा है, बोला ऐसा ना लेना, अगर आपको क्रिस्टल चाहिए तो एक मेटल लो
और एक नॉन मेटल, तभी एक देगा एक लेगा, और दोनों ही नॉन मेटल ले लोगे तो कोई देगा किसी? ये करेक्ट बता दिया। अरे NaCl तो है ना। अरे तब भी बोले तो क्योंकि एक मेटल आयंस की नहीं बात हो रही है, हम ये कहना है कि सब कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनमें से क्या ये सब मॉलिक्यूल हैं कि नहीं? नहीं है, ये क्रिस्टल्स हैं। मॉलिक्यूल ये होगा सर, आयंस बनाते हैं। कंपाउंड ये भी है, जैसे मैं कहूँ CO2 तो क्या वो भी कंपाउंड है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। और ऊपर वाली कैसी है? ऊपर वाले आयंस है। जो रस्ट होती है वो भी तो क्रिस्टल होती है कि वो क्योंकि सब नॉन मेटल है, ये सब कंपाउंड है। लेकिन अगर मान लो सभी नॉन मेटल हुए तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, और एक मेटल और एक इनमें शेयरिंग होता है। क्या शेयरिंग वाले बॉन्ड जानते हो? कोवेलेंट बॉन्ड। और एक होता है लेने देने से। हाँ बोलो माही। AN यहाँ लिखो और बोलो, एक मेटल एक नॉन मेटल। सर N स्मॉल होगा ना भाई, आप जैसे हमें मालूम नहीं है। सर AG2 MgO होता है, Mg दो देता है, वो दो ले लेता है। Mg, NH3 यहाँ लिखा जाएगा। HCl, HCl कहाँ लिखे? ऊपर की नीचे? नीचे, सही है। नीचे कौन सा लिख रहे हो? जिसमें दोनों नॉन मेटल हैं। ओ हाँ, वो तो ऊपर एक मेटल, नॉन मेटल, और ये मॉलिक्यूल हो गया, और इनके बीच जो बॉन्ड है वो केमिकल बॉन्ड का नाम क्या है? कोवेलेंट। और इनके बीच में आयोनिक, जैसे 2+ और 2-, ये कौन सा बॉन्ड है बताओ? आयोनिक। इसमें इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, और इसमें क्या होता है बताओ? हाँ बोलो। क्या? H2CO3। आयंस के नाम मत बताओ। अब इतनी बात हो गई, कंपाउंड समझ गए, प्योर सब्सटेंस समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ एटॉमिसिटी, ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। नहीं, ऐसे नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड, सर नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इन अ गिवन मॉलिक्यूल। हां, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंपाउंड। मॉलिक्यूल एलिमेंट का हो सकता है कि कंपाउंड का? चार एग्जांपल बताओ। एग्जांपल सर N2 बताए, नहीं ये बात कर रही थी सर। HCl सर नहीं सर, AG AU ये रहा है ना, AR AG AU सर। AG कहां से बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं? हां जी, लास्ट वाले ग्रुप के बताओ ना। KR HCl KR HCl RN लीनियर का ज़ेरान और सर हाइड्रोजन हो सकता है। चलिए चार एटॉमिक के नाम बताइए सर। O2N2 H2 Cl2 H2 O2N2 F2 Cl2 Br2 S2 I2 CO2। ऐसे मेटल में भी 2 लगा दोगे NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल की एटॉमिक NaCl में क्रिस्टल NaCl में कहां ये बहुत बड़ा जाता है HCl HCl हो
एटम है जैसे ऑक्सीजन है ये टू माइनस है, ये इसका ये चार्ज है और यहाँ पर टू है तो एटॉमिसिटी है, यहाँ पर कुछ है एट तो ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्यों कहते हैं, क्या ये आठवें नंबर का एटम है, चेक करो जरा ऊपर से, इसीलिए एटम नंबर, जैसे खिलाड़ी नंबर नहीं होता है सर 11 नंबर 10 नंबर 1 नंबर, तो ये क्या एटम नंबर है, एटॉमिक नंबर, उसकी उसकी जर्सी पे लिख दिया है कि 8 नंबर के एटम होते हैं, तभी तो नाम पड़ा इसका एटॉमिक नंबर ना, जैसे खेलने निकला तो उसकी जर्सी पे लिख दिया कि शुरू से चलोगे तो 8वें नंबर पे जाना। नहीं सर, सबका सर एटॉमिक नंबर ही बोलते हैं ना। तो क्यों, क्योंकि 1 से लेके 118 तक है, जैसे रोल नंबर होता है ना, तो वैसे ये 8th नंबर पे एटम आता है कि नहीं सीरियली लगाने पे, तो इसका इसको क्या एटॉमिक नंबर 8 नहीं बोला जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मास नंबर, ठीक है ना, समझ आ गया। एटॉमिसिटी का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम है, सल्फर की एटॉमिसिटी क्या है, सल्फर 8 ऑफ एटॉमिक, नाउ डायटॉमिक बता दिया, और भी कुछ है और एक और बोलो CCl2 NH3 पेंटोन एटॉमिक बोलो P4 सर NH2 अमोनियम, आप बताइए हम क्या बताएं, दिव्या बताएंगे सर NH1 बोलो 5 क्या दिव्या CH4 बोल रही है, आप लोग इनकी बात से सहमत हो सर NH4 भी होगा ये ठीक है, इन्होंने कह दिया कि NH4 कुछ नहीं बनता है, नहीं तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का उल्लंघन है, कैसे हो NH4 तो 11 में NH4 कुछ नहीं है, NH4 एक आयन बनेगा, NH4 प्लस आयन, वो आयंस पर क्यों पढ़ रही हो, ठीक है कि नहीं, तो ये पेंटा एटॉमिक हो गया, CCl4 भी हो जाएगा, Cl2 क्रिस्टल्स को नहीं लेंगे, ये सब समझ में आ गई बात आपको, ठीक है, तो नाउ दिस इज एटॉमिसिटी, नाउ सर टेट्रा एटॉमिक में H2O2 लिख सकते हैं, H2O2 लिख सकते हैं, यूयू के बारे में ज्यादा केमिस्ट्री पता नहीं लोगों को, ये सब एटम नहीं है, इनको एटम क्यों बोल रही हो, आयन सभी है ना, एटॉमिसिटी यहाँ से देखो, जो मॉलिक्यूल होते हैं जिन पे चार्ज नहीं होता है वो मॉलिक्यूल होंगे, इन सब को क्यों पढ़ रही हो, एक हो या दो या अकेले इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, इनको किसी न किसी निगेटिव को प्लस की जरूरत पड़ेगी, प्लस को माइनस की जरूरत पड़ेगी, तो जो प्लस वाले हैं ये उससे कंबाइन करेंगे तब तो जाके ये बनाएंगे क्रिस्टल, ये सब क्रिस्टल बनाते हैं ना कि मॉलिक्यूल, वास्तव में नहीं, जो आयंस होते हैं क्रिस्टल वो इलेक्ट्रॉन ले दे के काम करते हैं, जैसे ये देखो ना ये सोडियम है ग्रे वाला, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने ले लिया, इस तरीके से बहुत बड़ा नेटवर्क हुआ, तो क्या इनमें कोई ये बता डाइटॉमिक या ट्राइटॉमिक, क्योंकि लाखों एटॉमिक, तो कुछ गिन पाओगी, इतना बड़ा क्रिस्टल होगा तो वो इतना बड़ा क्रिस्टल ही है पूरा, समझ में नहीं आई, आयंस क्रिस्टल बनाते हैं और जो साझेदारी से बनेंगे वो मॉलिक्यूल होंगे, क्या आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की शेयरिंग और राउंड कर करके नहीं पढ़ाया, तो वही चीज़ तो हमने बताई है ना आपको, ठीक है, अब जरा देखो कि एटॉमिसिटी पता चल गई, नाउ कार्तिक आयंस व्हाट डज इट मीन बाय आयन, लेकिन पवन तो बता रहे एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्ज, सो आयन एटम आर फाउंड जनरली इन इलेक्ट्रोलिसिस और ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग
charges are called ions. Ions. Positive charge bearing atoms. Yeah, the positive charge bearing ions. Ion. Positive charge bearing ions are called cations. कुछ cations के नाम बताओ. Al2+ सर एच प्लस H+ सर Al2+ सर Al2+ सर Al3+ Cl+ सर Mg2+ सर Zn2+ Zn2+ Ca2+ सर Fe3+ Mg हो गया. अभी हो गया. अच्छा ये बताओ आयंस बियरिंग नेगेटिव चार्ज बियरिंग आयंस नेगेटिव चार्ज बियरिंग आयंस. हाँ इधर देखिए ऑर्थो कोडम देखिए. नेगेटिव चार्ज बियरिंग आयंस आर कॉल्ड एन आयंस. पवन बताइए कुछ एन आयंस. H- और Cl- और सर Ar- सर Br- होगा. Br2- सर HCO3- सर C-3- CO3- SO4- 3-4 S-2 OH- PO4- सर P-4 भी तो लिख सकते सर N3- सर P-4 भी तो लिख सकते सर HC ऐसा नहीं. फोर कभी नहीं चार्ज होता. तीन तक ही होते हैं. अच्छा ऐसा ही है. चार होगा तो शेयरिंग होगी. अच्छा अब देखो कैटायंस एंड एनायंस कंस्टिट्यूट व्हेन कंबाइन दे कंस्टिट्यूट क्रिस्टल. करेक्ट. यानी जब है ना कैटायंस एंड एनायंस जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे. क्रिस्टल दिखाए हैं ना हमने आप लोगों को है ना. सो किसी भी चीज का आप लोगों को क्रिस्टल दिखाया जा चुका है. आई हैव शोन यू वेरियस काइंड्स ऑफ क्रिस्टल्स. ये सब क्रिस्टल्स ही हैं. ठीक है ये देख लो. एक बार फिर से देख लो सारे क्रिस्टल्स पीछे भी है. ओके तो क्रिस्टल समझ में आ गया कैसे इसमें अलग अलग तरीके की सर्फेस होती है. तो कैटायंस एंड एनायंस फॉर्म कंस्टिट्यूट क्या करते हैं वो क्रिस्टल्स. व्हेन दे फॉर्म टुगेदर दे फॉर्म कैटायंस एंड सर ये भी तो लिखेंगे जनरली मेटल्स फॉर्म कैटायंस. ये आर बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये किससे बॉन्डेड होते हैं. आर आपस में अटैच हो जाता है अट्रैक्ट हो जाते हैं. कंस्टिट्यूट ये आपने बस याद रखना है क्रिस्टल्स जिससे कोई उन्हें मॉलिक्यूल ना बोल पाए. इतना बात याद रहेगी. मॉलिक्यूल ना बोल देना. जैसे कुछ भी कहो Mg2+ कर दो और O2-, तो इससे क्या बताओगे क्रिस्टल हो गया ना. या एग्जांपल में सबसे अच्छा एग्जांपल तो NaCl है ये तो याद ही रहेगा. ठीक है माइनस टू है चार्ज तो अगर हम एग्जाम में ओ माइनस टू या ओ टू माइनस करते तो ये तो ना नहीं O2- लिखना गलती ना करना. सर अगर O- लिखना तो बराबर तो टीचर काट देगा. सो ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्जेस ग्रुप ऑफ सर ना आप बोलिए सर कुछ नहीं पूछ लो. मैंने सर समझ गया. SO4- H SO4- ये भी बात समझ आई. HCO3 समझते हो या हाइड्रोजन का सर आयन और पॉलीएटॉमिक आयन का डिफरेंस है. आयन सब पॉलीएटॉमिक आयन सर आयन
एंड पॉलीएटॉमिक आयंस में देखो इसमें सिंगल सिंगल एटम भी है। तो सर इसमें एवरी काइंड ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इसमें आयंस में आप तो ठीक है ना उसी का एक प्रकार है। तो सर मतलब पॉलीएटॉमिक को आयन भी बोल सकते हैं सर। तो मतलब सर आयंस इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करते वो जॉइन होकर पॉलीएटॉमिक आयंस बनते फिर ये भी हैं क्रिस्टल्स ये टोपाज इससे नट बनते हैं क्या बनते हैं अंगूठी सर क्या बनते हैं क्वार्ट्ज जिसको कहते हैं क्वार्ट्ज तो सर ये रहा क्वार्ट्ज नहीं चीज है क्वार्ट्ज जानते हो जैसा मैं की रेत है उसी को गर्म करके बनाया जाता है ये सर। उसे तो ग्लास भी बनते हैं ना अब देखो नाउ नाउ और हमने कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल दिखा दिया ना उसको साफ करके हाँ उसे विनेगर से साफ करेंगे गंदा हो गया। ओके इधर का भी इधर का उधर तक पहुंच गया अभी इधर ही लिख रही है अब बाद में लिखना बात मन करो आपस में लिखती रहो नई चीज कैसे पढ़ाएंगे। चल अच्छा अब जब ये बात आपको पता चल चुकी है ठीक है तो कुछ चीजें और हम बात करेंगे जैसे कि हमें ये बात मालूम है कि किसके कितने चार्ज होते हैं तो कार्बोनेट आयन का फार्मूला बताओ CO3 2- अमोनियम आयन दो उसकी लेने की बैलेंसी है उसकी समझ में आई देवांशी नाइट्राइड एन थ्री अमोनियम आयन कार्बोनेट आयन हाइड्रोजन सल्फेट आयन हाइड्रोजन सल्फेट नाइट्रेट आयन नाइट्राइट आयन नाइट्राइट नाइट्राइड आयन N3- अच्छा बता दीजिए एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम है नहीं, आपने बता दिया ना एल्यूमिनियम है एल थ्री प्लस, ठीक है नाउ एल थ्री प्लस कैल्शियम है, कैल्शियम सी एल एम फॉस्फेट आए फॉस्फेट केमिकल फार्मूला It is symbolic representation of composition of compound. फिर कुछ बातें और हैं जैसे कि rules, ठीक है being followed for writing chemical formula, तो कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं, that is valency on the charges must be balanced, valencies ठीक है, या चार्ज हो किसी किसी में वैलेंसी लगती है, किसी किसी में वैलेंसी, अगर दोनों मान लो नॉन मेटल है तो वैलेंसी लिखना पड़ेगा और एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो चार्ज लिखना पड़ेगा, सो वैलेंसीज और चार्ज मस्ट बी बैलेंस्ड, इसका मतलब है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जैसे मान लो एल की कितनी है 3+ है तो इसने 3 दिया होगा कि लिया होगा, दिया होगा तो 2 एयर 3 दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं मिला के 6 दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 3 ऑक्सीजन आ जाओ आओ 2-2 ले लो, हाँ क्योंकि मैं 6 दे रहा हूँ तो 6 लेने वाले भी तो होने चाहिए, तो यहाँ एयर लिखो और यहाँ क्या लिखो ओ, तो यहाँ लिखो 3 और यहाँ क्या लिखो 2-2 अब देखो कितने एयर हुए 2 और वो कितने हुए, तो अगर इन सबको जोड़ा जाए तो क्या ये 6+ है और ये 6- है तो क्या न्यूट्रल हो गए, तो इसकी न्यूट्रलिटी क्या यहाँ से हमने पता की, तो ये बैलेंस कर दिया ना, अब ये क्या ये मॉलिक्यूल या मान लीजिए ये क्रिस्टल अब न्यूट्रल रहा रहा कि नहीं, तो इसी तरीके से हम बैलेंस करते हैं, ये अगर 6 दे रहे हैं तो 6 लेने वाले आने चाहिए, दो मेटल कंबाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते, दो मेटल नॉन मेटल कर सकते हैं, हाँ दो नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड से कर सकते तो Al2H6 ऐसे ऐसे हैं तो वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो अभी 11th में पढ़ेंगे, सब में नहीं होता है वो, जिसमें ऑक्टेट पूरा नहीं होता है तब फिर वैसे होता है, वो बनाना रूल है, consist of तो कि पहले किसे लिखना है, सर फर्स्ट मेटल इज रिटन देन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, सिंबल ऑफ मेटल इज टू बी रिटन, तो नेम भी पहले लिखना है या फिर सिंबल ऑफ मेटल, जैसे सोडियम क्लोराइड लिखा मेटल को पहले लिखा गया है, यस सर सर एफ टू ओ थ्री में भी, हाँ रिटन फर्स्ट उसे पहले लिखना है, फॉर एग्जाम्पल NaCl, अब तीसरी चीज देखो कि इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस
अगर मान लो पॉली एटॉमिक आयंस है तो द नंबर ऑफ आयंस कि अब इसके कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं, मान लीजिए जैसे NH4 है और ठीक है और SO4 है, तो NH4 पे क्या एक प्लस होता है, इस पे टू माइनस होता है, तो द इसमें NH4 के कितने आयन प्रेजेंट है, तो क्या इस पे टू लगाओगे और SO4, तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन कंपाउंड विल बी रिटन, ठीक है, विद इन पैरेंथेसिस या ब्रैकेट, नंबर ऑफ आयंस कितने आयंस है, दो नहीं है, दो कैसे लिखा जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन कंपाउंड, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन कंपाउंड, मेटल इज कैसे लिखना है, इज इंडिकेटेड बाई इंक्लोजिंग द फार्मूला ऑफ आयन इन ब्रैकेट बाई एंक्लोजिंग द फार्मूला of ion in bracket, तो उसको इस तरीके से लिखना, ठीक है, देखिए जैसे मैंने नीचे लिखा है, ये सेंटेंस पकड़ के चलना पड़ेगा नहीं तो सेंटेंस याद नहीं रहेगा, नाउ अब आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, राइट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसे करने को देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड सेकंड हाइड्रोजन सल्फाइड HCl, पूरा प्रोसेस करके लिखना है, हाँ प्रोसेस करके लिखना है, तो इसमें पहला दिया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, नाउ अमोनियम सल्फेट, सेकंड राइट मॉलिकुलर मास ऑफ CH4H2O, राइट फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl CaCl2, राइट मोलर मास ऑफ CO2 NH3, ओके, नाउ अब देखो इसके अलावा राइट केमिकल फार्मूला नेम, राइट केमिकल नेम ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस AlN, ठीक है, और CaCl2, ओके, नाउ राइट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, दोनों चीजें निकालनी है, इन 52 ग्राम हीलियम, सर कॉपी में करें, नहीं सर कार्तिक को बुक चाहिए, बुक दे रहे हैं, ले लो बुक, जाते हैं क्यों नहीं, बुक के साथ कर रहे हैं अब, सर बुक के साथ करने हैं, अरे बुक से बढ़ने भी थोड़ा, सर हमने टाइम दे दो, आज ही सर जैसे राइट फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl है तो
बस NaCl के सामने होते हैं अपनी पहले डेफिनेशन में बात है फार्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl इज एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl से होता है सर डेफिनेशन कैसे होता है सर मोलर मास मोलर मास मोलर मास ऑफ H प्लस मोलर मास मोलर मास ऑफ H into 2 सर क्यों 1 ग्राम ग्राम में सर सेकंड क्वेश्चन सर हुआ है ना सर फॉर में क्या लिखना है एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl 2 लगाना है तो 2 लगाओ सर मॉलिक्यूलर और मोलर में फर्क क्या है मॉलिक्यूल जब मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल में जानते हो कितना होता है यस 6.02 को इनटू 10^23 तो उतना जब लोगे तो फिर वो चीज ग्राम में नहीं आएगी सर गणेश शास्त्र चलो अभी हो गया सर वो क्या लिखा लास्ट क्वेश्चन हां नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं सर गणेश शास्त्र बुक बंद कर दो